हेलो फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर। इस साल की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम इसके ऊपर फिशिंग के वीडियोस भी डालेंगे, जबकि महाशेर को कैसे पकड़ते हैं वो वीडियोस भी हम डालेंगे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारे पास एयर राइफल के ऊपर, और वो एयर राइफल ये आपके सामने है प्रेसियोल कंपनी की NX 200 एथेना। इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। अगर आप इसको देख पा रहे हो ध्यान से, प्रेसियोल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और इस प्रोडक्ट को वारंटी के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है विद इन 30 डेज इसके साइट के ऊपर जाकर, और वहां जो इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं उसको भर के आप वहां रजिस्टर हो जाते हैं, और उसके बाद आपको उसके बिल की फोटोकॉपी भी व्हाट्सएप करनी पड़ती है। और इसको लेने के लिए, इसके लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, क्योंकि ये 0.177 कैलिबर की है। ये 0.177 कैलिबर में है और उसके लिए इंडिया में लाइसेंस नहीं है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग के लिए मैं ये आज और कुछ नहीं मिला, ये ब्राउनिंग का नया नाइफ लिया है मैंने। इस पे बाद में वीडियो डालेंगे हम, एक बहुत अच्छा नाइफ है ये, इसकी भी मैं शुरुआत कर रहा हूं तो इसकी वीडियो बाद में बनाएंगे। तो इसको खोलते हैं। ये हमने इसको खोल दिया है, बहुत ही अच्छे ढंग से पैक की गई है ये। इसका वारंटी कार्ड हमने अलग से निकाल के रख लिया है। इसके साथ में ये कुछ पैलेट्स हैं, प्रेसिपेल कंपनी के सैंपल पैलेट्स हैं कुछ ये। देखिए इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं आप, ये नाइट्रो पिस्टन है। नाइट्रो, और ये इसकी ब्रांडिंग NX 200 एथेना। पॉइंट वन सेवन सेवन कैलिबर, फाइबर स्टॉक में है, बर्च इसका फाइबर में है। तो ये इसकी साइट्स, ओपन साइट्स, ट्रिगर, बहुत अच्छा ट्रिगर है इसका, साथ में ऑटो सेफ्टी भी है इसकी। कंपनी इसका 870 के आसपास, 860 FPS क्लेम करती है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है और बहुत ही स्मूथ एयर राइफल है। इसकी कॉकिंग एफर्ट जो है बहुत कम, कॉकिंग बड़े आराम से कॉक कर सकते हैं इसको। और इसमें ऑटो सेफ्टी है कि फायर नहीं होगी जब तक सेफ्टी को हम आगे नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी राइफल्स में आता है, गामो वगैरह या और जो फॉरेन के राइफल्स हैं, इंडियन राइफल्स में बहुत कम मिलता है ये। इंडियन एयर राइफल्स में ये सेफ्टी, जब इसको हम आगे करेंगे तभी ये फायर करेगी। एयर गन को कभी खाली फायर नहीं करना चाहिए, तो मैं अभी इसको फायर नहीं करूंगा। फायरिंग का वीडियो हम बाद में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम फायरिंग का अपडेट का फायरिंग का डालेंगे। और ये सेफ्टी ऑन हो गई, और अगर आपने फायर नहीं करना है तो इसको फिर से ऑफ कर सकते हैं। तो लगता है आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद।